नमस्कार, आज के फिन पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है। और आज का फर्स्ट अपडेट है, बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट को 0.75% घटाकर 7.25% करने की घोषणा की है। नई घोषित दर 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। इस तरह बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में किए गए 0.75% पॉइंट के डिडक्शन का लाभ कस्टमर्स तक तुरंत पहुंचाने का स्टेप उठाया है। नेक्स्ट अपडेट है, लॉकडाउन की वजह से जरूरी चीजों की ऑनलाइन सेल्स और होम डिलीवरी आसान करने के लिए लागू की गई सरकारी गाइडलाइंस के बाद भी ई कॉमर्स कंपनीज की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। कुछ कंपनीज ने सप्लाई शुरू की है, जबकि बहुत सी अब भी स्टेट्स में जारी अलग अलग गाइडलाइंस और डिलीवरी बॉय की कमी के चलते सर्विस नहीं दे पा रही हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस के साथ एक मीटिंग और गृह मंत्रालय की ओर से सप्लाई में प्रॉब्लम्स नहीं आने देने के संबंध में एडवाइजरी जारी करने के बाद टॉप ई कॉमर्स साइट्स ने भी बंद की गई ऑनलाइन सर्विसेज दोबारा शुरू करने की बात कही थी, लेकिन अब भी उनकी सेल्स और होम डिलीवरी पटरी पर आती नहीं दिख रही है। नेक्स्ट अपडेट है, दीपक फर्टिलाइजर स्पेशलिटी केमिकल आइसोप्रोपिल एल्कोहल बनाने वाली देश की अकेली कंपनी है। इस केमिकल का इस्तेमाल सैनिटाइजर बनाने में होता है, जिसकी कोरोना वायरस की वजह से फिलहाल काफी डिमांड है। देश में कंज्यूमर और फार्मा सेक्टर की तरफ से इसके लिए टोटल 2,00,000 टन सालाना की डिमांड है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में इसकी डिमांड बढ़ी है, जिससे कंपनी को आने वाले टाइम में फायदे की उम्मीद है। आपको बता दें, दीपक फर्टिलाइजर्स के पास सालाना 70,000 टन IPA यानी आइसोप्रोपिल एल्कोहल बनाने की कैपेसिटी है और बाकी मांग पूरा करने के लिए इसका इम्पोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट अपडेट है, गवर्नमेंट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का कहना है कि देश में रसोई गैस और फ्यूल की कोई कमी नहीं है। कंपनीज के अनुसार लॉकडाउन के बाद कम एम्प्लॉयज की वजह से शुरुआत में डिलीवरी में कुछ दिक्कतें आई थी, लेकिन अब रसोई गैस की सप्लाई में हर रोज 35 से 40% तक वृद्धि होने के बाद भी डिलीवरी का काम आसानी से पूरा किया जा रहा है। सऊदी अरब ने भी भारत को भरोसा दिया है कि एलपीजी गैस की सप्लाई में किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट अपडेट है, कोरोना वायरस महामारी की वजह से एशियन मार्केट्स में कच्चे तेल की कीमतें सोमवार यानी आज 17 साल के लोवेस्ट लेवल पर आ चुकी हैं। अमेरिका में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 5.3% गिरकर $20 प्रति बैरल पर और ब्रेंट क्रूड 6.5% गिरकर $23 पर आ गया है। आपको बता दें, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दुनिया भर में सरकारें लॉकडाउन का सहारा ले रही हैं और ट्रैवल बैन लगा रही हैं, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमत में लगातार गिरावट आ रही है। नेक्स्ट अपडेट है, कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा की टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स ने ज्वाइंटली 1500 करोड़ रुपए की मदद करने का ऐलान किया है। टाटा ट्रस्ट इसमें 500 करोड़ रुपए की मदद करेगा, वहीं टाटा सन्स कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 1000 करोड़ रुपए की मदद करेगा। रतन टाटा ने इसकी जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी। नेक्स्ट अपडेट है, NRAI यानी नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने लैंडलॉर्ड्स को लिखे एक ओपन लेटर में कहा है कि कोरोना वायरस के प्रकोप और सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन की वजह से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को भारी नुकसान की संभावना है। इसीलिए NRAI ने लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट की है कि वो जून 2020 तक या जब तक लॉकडाउन के चलते कारोबार बंद रहता है, तब तक रेंट और मेंटेनेंस फी को पूरी तरह माफ कर दें। नेक्स्ट अपडेट है, TVS मोटर कंपनी ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए प्रधानमंत्री के राहत कोष PM केयर्स में 25 करोड़ रुपए दान करने का ऐलान किया है। TVS क्रेडिट सर्विसेज लिमिटेड, सुंदरम क्लेटन लिमिटेड और ग्रुप की अन्य कंपनीज की तरफ से ये योगदान किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रुप की CSR ब्रांच श्रीनिवासन सर्विसेज ट्रस्ट द्वारा भी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अलग से योगदान किया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में 755 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करने की घोषणा की है। इन्वेस्टमेंट करने की ये घोषणा भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले ही मुश्किलों से घिरी भारतीय इकोनॉमी कोरोना वायरस महामारी के चलते बड़े संकट का सामना कर रही है। ADB का NIIF में किया गया ये इन्वेस्टमेंट भारत में डोमेस्टिक प्राइवेट इक्विटी फंड्स के अंदर इंडस्ट्रियल कैपिटल को बढ़ाने में मदद करेगा, साथ ही प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ फाइनेंसिंग उपलब्ध कराने में योगदान मिलेगा।
जिससे अच्छी नौकरियां, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। यहां पर हमारा आज का फिनपॉइंट सेशन समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट, स्टार्टअप, इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे प्राइमरी यूट्यूब चैनल finnovations.com को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपके सपोर्ट से 9,50,000 सब्सक्राइबर पूरे कर चुके हैं और 1 मिलियन की फैमिली से कुछ ही दूर हैं। इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे प्राइमरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बने और 1 मिलियन सब्सक्राइबर के टारगेट को जल्द पूरा करने में हमारी हेल्प करें। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com जरूर विजिट कीजिए। आप अपनी किसी भी क्वेरी के लिए 8287936451 और 8287936452 नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को देखने और हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।